अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राई वेज मोमो। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, एक बार मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने 3 से 4 लहसुन की कलियाँ ली हैं जो हमने इसको बारीक काट के यहाँ पे रखा है। ये हमने 2 हरी मिर्च रखी है जो हमने यहाँ पे काट के रखी है। ये हमने 1/2 कटोरी गाजर ली है जो हमने मिक्सी में इसको एक बार ग्राइंड करके रखा है। यहाँ हमने पत्ता गोभी ली है, इसको भी मैंने मिक्सी में ग्राइंड करके रखा है, एक बार ग्राइंड करा है। यहाँ हमने सोयाबीन लिया है, इसको भी हमने मिक्सी में ग्राइंड करके रखा है। यहाँ पे हमने थोड़ी अनियन ली है जो यहाँ पे हमने चॉप करके रखी है। ये हमने 1 कटोरी मैदा लिया है। यहाँ हमने सोया सॉस लिया है, सोया सॉस हमने 1 चम्मच लिया है। हमने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लिया है। मसालों में हमने यहाँ पे केवल नमक लिया है और ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर लिया है। तो चलिए आगे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक बाउल लिया है, इसमें हम मैदा डालेंगे। मैदा डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद इसको हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, 4 चम्मच हम यहाँ पे ऑयल ले रहे हैं। अब हम इसको थोड़ा मिक्स कर देंगे। तो इसको थोड़ा सा हम हाथों से मिक्स कर लेते हैं। ये जब ऐसा डो इसका बनने लगे तो आप समझ जाइए कि हमारा आटा हो गया है। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हैं, हमें सारा ही खट्टा पानी नहीं डालना है। तो हम इसका एक डो तैयार कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा सॉफ्ट सा डो बनके भी तैयार है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं और इसको 5 मिनट के लिए रख देते हैं, तब तक ये हमारा आटा सेट हो जाए। तो जब तक हमारा आटा सेट होता है मैदा, तब तक हम चलिए स्टफिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अपना पैन चढ़ा दिया है। तो तेल हमारा, तो पैन हमारा हो गया है। अब इसमें ऑयल ऐड करेंगे, क्योंकि हम स्टफिंग बना रहे हैं तो हम ऑयल का ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे इसमें। कोई भी स्टफिंग हो उसमें ऑयल का यूज़ ज़्यादा नहीं होता है। हमने 4 स्पून तेल लिया है। तो ऑयल हमारा हो गया है। अब हम इसमें जो लहसुन लिया था, लहसुन की कलियाँ, वो इसमें डाल देते हैं और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, किसी भी सब्ज़ी को हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च जो हमने यहाँ पे काट के रखी थी, इसको कर लेंगे थोड़ा सा मिक्स। अब इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे जो सोयाबीन हमने यहाँ ली थी, इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे 5 मिनट। तो यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी वेजिटेबल, ये हमारी गोल्डन हो गई है। अब वेजिटेबल ऐड कर देते हैं, हम 3 वेजिटेबल को डाल देंगे इसमें। अब हम इसको कर देंगे मिक्स। ध्यान रखिएगा हमें सब्जी को ज़्यादा पकाना नहीं है, केवल इसको हल्का सा फ्राई करना है। तो यहाँ पर हमारी वेजीज फ्राई हो गई हैं। अब हम इसको अलग प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। हमने स्टफिंग को प्लेट में निकाल लिया है, जब तक ये ठंडा हो रहा है तो चलिए हम अपने जो हमने यहाँ पे डो लगा के रखा था अब हम उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा डो सेट हो गया है। तो सेट हो गया, अब इसको हाथों की हेल्प से हम एक बार थोड़ा सा इसको प्रेस कर करके एक बार गूंथ लेते हैं। देख सकते हैं हमारा डो तो बिल्कुल बन करके रेडी है। तो चलिए हम देख लेते हैं हम इसको स्टीम किस में करेंगे। तो स्टीम करने के लिए हमने यहाँ पे छन्ना लिया है।
छन्ना सबके घर में होता है। और यहाँ पे हमने ली है कढ़ाई, कढ़ाई में हमने पानी रख दिया है जो हमारा बॉईल हो रहा है। तो हमने कढ़ाई इसलिए ली है क्योंकि हमारा जो छन्ना है वो इसमें परफेक्ट बैठ रहा है। और तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने इसको इस तरह इसलिए रखा है, अब हम इसको बेलन की हेल्प से खूब बड़ा सा बेलेंगे, बेलन की हेल्प से। चलिए बेल लेते हैं थोड़ा सा, थोड़ा सा बेलेंगे। इसमें थोड़ा सा मैदा छिड़क दिया है, तो चलिए फिर से इसको बेलना स्टार्ट करते हैं। तो हमने इसको बेलन की हेल्प से इतना बड़ा बेल लिया है, अब हम इसमें इसको काटेंगे। अगर आपके पास कुकी कटर हो तो आप उससे काट सकते हैं, अगर आपके पास कुकी कटर नहीं है तो कोई बात नहीं, जो आपके पास घर में कोई ग्लास हो इस तरह का, आप उस ग्लास से इस तरह से प्रेस करिए और ये कट कर ये रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये कट हो गया है। तो इसी तरह से हम सारी इसको कट कर लेते हैं, इसे करने से ये थोड़ा जल्दी हो जाता है। ऐसे ही हम सारा कट कर लेंगे। तो चलिए इसी तरह से हम सब कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको कट करके रख लिया है, तो चलिए अब बताते हैं स्टफिंग कैसे भरनी है। तो स्टफिंग में हमने, हमारी स्टफिंग ठंडी हो गई थी तो हमने इसमें नमक, ब्लैक पेपर और सोया सॉस डाल दिया है और उसको करके मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब हम बताते हैं इसको कैसे भरना है। तो यहाँ पे हमने एक चम्मच जितना आप है उस हिसाब से लीजिएगा, और उसके बाद यू करके थोड़ी सी प्लेटें बनानी है। प्लेटें बनाने के बाद इसको थोड़ा प्रेस करके और इसको यू प्रेस कर देना है। ये देखिए बन करके रेडी है। इसी तरह से हम साड़ी बना लेते हैं। चलिए तो हम फिर से बना देते हैं कि इसको कैसे करना है। हम एक चम्मच स्टफिंग भर रहे हैं और ध्यान रहे जो ये स्टफिंग जिसमें हम भर रहे हैं उसका लेयर पतला ही रहे, ज़्यादा मोटा ना हो। और इसको ये बीच से प्रेस कर देना है, ये इस शेप में बन करके रेडी हो जाएगी। तो चलिए इसी तरह से हम पहले बना के रख लेते हैं। तो स्टफिंग भर करके हमारे मोमोज रेडी हैं। तो चलिए इन क्यूट से मोमोज को अब स्टीम कर लेते हैं। तो यहाँ पर पानी उबल गया हमारा, अब हम इसमें अपने मोमोज को रख देते हैं। तो छन्ना रखने से पहले इसमें हमने पहले सबसे पहले ऑयल लगा दिया था छन्ने के चारों तरफ। तो चलिए बहुत अलर्ट होकर इसमें अपने मोमोज को रख देना है। तो छन्ने में हमने मोमोज को रख दिया है, जब तक ये स्टीम होते हैं इसको केवल हम 5 मिनट स्टीम करेंगे, इसको ढक देते हैं। तो यहाँ पे हमारे मोमोज स्टीम हो गए हैं, अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। हमने इसको हाफ स्टीम इसलिए करा है क्योंकि अभी हम इसे फ्राई करेंगे थोड़ा। तो हमने अपने मोमोज को स्टीम करके निकाल लिया है और चलिए अब इसको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हमने पैन को रख दिया है, पैन हमारा गर्म कर देते हैं। पैन गर्म होने के बाद हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, हम केवल शैलो फ्राई करेंगे इसको। हमने यहाँ पे ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करा है। तो तेल गर्म होते ही हम अपने मोमोज को इसमें फ्राई करते हैं। तो तेल हमारा हो गया है, अब हम इसको मोमोज को रख देते हैं इसमें फ्राई करने के लिए। तो गोल्डन कर लेंगे, फ्लेम को नॉर्मल रखेंगे। सारे मोमोज को ऐसे ही रख लेते हैं इसमें। तो हमने सारे मोमोज अपने रख लिए, उसको गोल्डन होने पे रख देते हैं, फ्राई हो जाते हैं ये। इसको हम पलट देंगे ताकि ये चारों तरफ से सिके, चारों तरफ से फ्राई हो। ये गोल्डन हो गए हैं, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारे फ्राई मोमो बन करके रेडी हैं, ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। और हमारे ये मोमोज कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।